तो ये जो स्टिलेट है हमें एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन के वक्त बहुत ही काम की चीज़ होती है। ये जो स्टिलेट है ये हमारे एंडोट्रकियल ट्यूब को एक स्पेसिफिक शेप देती है। इंट्यूबेशन के वक्त जो ओरल कैविटी और जो फेरिंजियल कैविटी है उसका शेप कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉर्मल जो ये ट्यूब का कर्वेचर है, ये जो नॉर्मल ट्यूब का कर्वेचर है ये कभी कभी लरिंग्स को निगोशिएट नहीं कर पाता। तो इस वक्त हमें ये स्टिलेट की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे ट्यूब को एक स्पेसिफिक शेप देती है। तो ये जो स्टिलेट है ये तीन प्रकार की होती है। ये जो है ये है रिजिड मैलिएबल स्टिलेट, दूसरा रहता है लाइटेड स्टिलेट, यानी उसमें एक लाइट सोर्स रहता है जो टिप से यहाँ से लाइट आता है और हम वो पेशेंट की नेक पे जो लाइट का इल्यूमिनेशन आता है उससे वो स्टिलेट की पोजीशन कंफर्म कर सकते हैं। और तीसरा जो स्टिलेट होता है वो रहता है ऑप्टिक या फिर वीडियो स्टिलेट। उसमें हम यहाँ पे एक आईपीस रहता है उसमें हम उसमें से देख के डायरेक्ट हमें लैरिंग्स दिख सकता है या फिर यहाँ पे हम एक कैमरा लगा के उस कैमरा में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रिजिड स्टिलेट का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो रिजिड स्टिलेट है ये हमें ये ट्यूब में डालनी है और हमें एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये जो इसका टिप है ये ट्यूब के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये टिप अगर ट्यूब के टिप के बाहर इसका स्टिलेट का टिप आ गया तो ये इंट्यूबेशन करते वक्त पेशेंट के लैरिंग्स को इंजरी हो सकती है। तो हमें ये टिप जस्ट ये टिप के अंदर रखना है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक स्टॉपर है, ये स्टॉपर से हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये जो टिप है वो फिर नीचे स्लिप ना हो जाए। अगर आपके पास ये स्टॉपर नहीं है तो यहाँ पे आप आर्टरी फोर्सेप भी लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे बेंड करके भी रख सकते हैं ताकि ये जो टिप है ये नीचे स्लिप ना हो जाए। फिर उसके बाद हमें ये ट्यूब को ऐसा शेप देना है। जनरली ये जो ट्यूब है इसको एक हॉकी शेप दिया जाता है क्योंकि इससे फिर इंट्यूबेशन इजी हो जाता है। फिर ये जो ट्यूब है ये पेशेंट के लारिंग्स में डालने के बाद हल्के से ये स्टिलेट को इस तरह से निकाल देना है। तो इस प्रकार ये जो स्टिलेट है इसका यूज़ हम ये जो एंडोट्रकियल ट्यूब है उसको शेप देने के लिए करते हैं और इससे हमारा इंट्यूबेशन आसान हो जाता है। थैंक यू।